हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टॉप 5 जॉम्बी हॉरर मूवीज़ लेके आया हूँ, जो ट्रेन टू बुसान, आई एम लेजेंड, द वर्ल्ड वॉर जेड ऐसे मूवीज़ के कंपैरिजन में है। वीडियो चालू करने से पहले जो नए हैं वो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे है री एनिमेटर। ये मूवी ईयर 1985 में रिलीज़ हुई है। ये मूवी कॉमेडी हॉरर साइंस फिक्शन पर आधारित है। मूवी की स्टोरी लाइन देखें तो कुछ मेडिकल स्टूडेंट बिजारे एक्सपेरिमेंट सेंटर के कैंपस जाते हैं। वहीं शहर का एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड कैंपस पहुंच जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता एक्सपेरिमेंट किस चीज़ का चल रहा है, पर उन्हें बाद में पता चल जाता है कि यहाँ मरे हुए आदमी और जानवर को जिंदा कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट सक्सेस होने के बाद क्या होता है ये मूवी में देखना। IMDb ने इसको 7.2 की रेटिंग दी है और मूवी बहुत ही अच्छी है। Herbert West, but a lot of dead people showed any appreciation. Number 4 पे है The Return of the Living Dead। ये मूवी ईयर 1985 में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर मूवी है। मूवी की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो इसमें दो इंसान दवाई की कंपनी में काम करते हैं। एक बार वो मेडिसिन सप्लाई करने वेयरहाउस जाते हैं, वहाँ उनसे एक दवाई टूट जाती है और उसमें से गैस निकलना शुरू हो जाता है। वो गैस हवा में बहुत तेज़ी से फैल जाता है। वो गैस से मरे हुए इंसान जॉम्बीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। और अभी इन सब से सब कैसे सर्वाइव करते हैं ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। IMDb ने 7.3 की रेटिंग दी है और मूवी बहुत अच्छी है। नंबर 3 पे है डे ऑफ डेथ। ये मूवी ईयर 1985 में रिलीज़ हुई है। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो पूरे देश में जॉम्बीज़ का राज बताया हुआ है, लेकिन फ्लोरिडा शहर में मिलिट्री और साइंटिस्ट ज़मीन के नीचे बंकर बना के रहते हैं। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तभी ही मिलिट्री को उनका एक आदमी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होते हुए नज़र आता है और तभी जॉम्बीज़ को भी उनको बंकर का रास्ता मिल जाता है। अभी सब कैसे सर्वाइव करते हैं ये जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। IMDb ने 7.5 की रेटिंग दी है और मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नंबर 2 पे है आर्मी ऑफ डार्कनेस। ये मूवी ईयर 1992 में रिलीज़ हुई है। ये एक कॉमेडी हॉरर मूवी है। और मूवी की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो एक सैराडोनिक हार्डवेयर स्टोर का क्लर्क गलती से 1300 AD में पहुंच जाता है। वहां वो महसूस करता है आर्मी उसे दुश्मन मानकर उसे लड़ाई करना चाहती है, लेकिन वहां कुछ डेमोन्स भी निकल आते हैं। इन सब से वो सर्वाइव कैसे करेगा, कैसे अपने टाइम में वापस जाता है ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी होगी। IMDb ने 7.5 की रेटिंग दी है। मूवी वन टाइम वॉच। नंबर 1 पे है द एविल डेड। ये मूवी ईयर 1981 में रिलीज़ हुई थी। ये एक हॉरर मूवी है। मूवी की स्टोरी लाइन की बात की जाए तो शहर के 5 दोस्त जंगल में घूमने निकल जाते हैं और वो जंगल में लकड़ी के घर में रहने के लिए बहुत पसंद करते हैं वहाँ, लेकिन वो घर में उनको मांस खाने वाले राक्षस का महसूस होता है। मैं ये स्टोरी के में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, नहीं तो आपका इंटरेस्ट चले जाएगा। IMDb ने इसको 7.5 की रेटिंग दी है। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग। वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाते रहूँगा। बाय बाय।